तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। क्या आपको पता है एनिमे ऑफ द ईयर की ट्रॉफी किस एनिमे ने जीती है, और इसके साथ ही बेस्ट एक्शन, बेस्ट एनिमे मूवी, बेस्ट रोमांस में किस एनिमे ने टॉप किया है? क्या आपने भी कल क्रंची रोल एनिमे अवार्ड 2024 नहीं देखा? तो आओ हम बात करते हैं एनिमे अवार्ड 2024 विनर के बारे में। अगर आपने भी कल की लाइव स्ट्रीम नहीं देखी थी तो कोई नहीं, मैं इस वीडियो में बता दूंगा किस एनिमे ने कौन सा अवार्ड किस फील्ड में जीता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हर तरह के एनिमे को अवार्ड दिया गया था, जैसे कि बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्शन, बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट एडिटिंग एंड ओपनिंग सीक्वेंस, बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर एंड 3 वॉइस एक्टर अवार्ड दिए गए थे। तो आइए मैं इन सभी को एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करें कि बेस्ट वॉइस एक्टर जापानीज डब में जिसको एनिमे अवार्ड मिला है। तो सबसे पहले हम बात कर ले बेस्ट वॉइस एक्टर जापानीज डब में। ये 6 एनिमे कैरेक्टर नॉमिनेट हुए थे, जिनमें से युची नाकामुरा, सातोरू गोजो, जुजुत्सु कायसन हिडन इन्वेंटरी, प्रीमेचर डेथ को एनिमे अवार्ड मिला है। तो इसके बाद बेस्ट वॉइस एक्टर इंग्लिश डब में, ये 6 एनिमे कैरेक्टर नॉमिनेट हुए थे, जिनमें से रियान कोंटलेवी डेंजी चेंसो मैन को एनिमे अवार्ड मिला है। तो इसके साथ ही बेस्ट ओरिजिनल एनिमे के लिए ये 6 एनिमे नॉमिनेट हुए थे, जिनमें से बेस्ट ओरिजिनल एनिमे का अवार्ड मिला है बडी डेटिस को। तो हम बात करें बेस्ट ओपनिंग एंड एंडिंग सिक्वेंस में किस एनिमे को अवार्ड मिला है। तो ये 6 एनिमे नॉमिनेट हुए थे एनिमे अवार्ड्स के लिए। तो इनमें से बेस्ट ओपनिंग सीक्वेंस में एनिमे अवार्ड मिला है ओशिनोको, एंड ये 6 एनिमे बेस्ट एंडिंग सीक्वेंस के लिए नॉमिनेट हुए थे, जिनमें से बेस्ट एनिमे एंडिंग सीक्वेंस में अवार्ड मिला है जुजुत्सु कायसन को। तो इसके बाद बेस्ट एनिमे फिल्म के लिए 6 एनिमे नॉमिनेट हुए थे, जिनमें से बेस्ट एनिमे फिल्म अवार्ड मिला है सुजुमे नो तोजिमोरी को। तो इसके बाद बेस्ट एनिमेशन के लिए ये 6 एनिमे नॉमिनेट हुए थे, जिनमें से डीमन स्लेयर को बेस्ट एनिमेशन का एनिमे अवार्ड दिया गया। हम बात करते हैं एनिमे ऑफ द ईयर में किस एनिमे को एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो इसमें ये 6 एनिमे नॉमिनेट हुए थे, जिनमें से जुजुत्सु कायसन सीजन 2 को एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, और इसके साथ ही जुजुत्सु कायसन बन गया एनिमे ऑफ द ईयर का बेस्ट एनिमे। तो ये थे एनिमे अवार्ड्स के कुछ बड़े अवार्ड, और अवार्ड्स भी हैं जैसे आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये है 2024 एनिमे अवार्ड्स विनर की लिस्ट। तो आप इसमें देख सकते हो बेस्ट एक्शन जुजुत्सु कायसन, बेस्ट एनिमेशन डेमन स्लेयर, बेस्ट रोमांस होरिमिया, बेस्ट फिल्म सुजुमे। तो ये थे 2024 एनिमे अवार्ड्स के विनर्स के नाम। और अगर आपको ये फुल डिटेल में जानना हो तो आप क्रंची रोल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो ये हो गई बात एनिमे अवार्ड्स की, अब मेरी बात भी सुन लो। मेरे चैनल पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक आई है, जिसके कारण मैं एनिमे हिंदी एक्सप्लेन वीडियो नहीं बना सकता हूँ। अगर मैंने वीडियो बना दी और उसे यूट्यूब पर भी अपलोड कर दी, और क्या पता आगे चलकर एक और स्ट्राइक आ गई, फिर उसके बाद भी एक और, तो इससे तो मेरा चैनल ही खत्म हो जाएगा ना। अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया हो जिससे मैं वीडियो बना सकूं और ऐसी सिचुएशन भी ना हो, तो मुझे जरूर से कमेंट करके बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।